नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से एकामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 5 स्वराज्यों की नींव। बच्चों, जो बाकी एकांकी है उनको अब हम देखेंगे। पेज नंबर 16 पर लास्ट लिखी है लक्ष्मीबाई और जूही तो अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ लाने आने के लिए कहो। जूही, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। क्या कहती है जूही लक्ष्मीबाई को कि क्यों मैं तात्या साहेब को खोज नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती। बच्चों, यहाँ पर मुहावरे का अर्थ है कि पाताल से खींच लाना, यानी कि किसी इच्छित चीज को कहीं से ढूंढ लाना। तो यहाँ पर जूही कहती है कि आपकी आज्ञा हो तो मैं कहीं से भी तात्या सेनापति को ढूंढकर लेकर आऊंगी। जाने को मूर्ति है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। जूही जाने के लिए मूर्ति है और वहाँ पर रघुनाथ राव का प्रवेश होता है। रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ राव? महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। क्या कहता है रघुनाथ कि महारानी जनरल रोज यानी कि किसी एक अंग्रेज सेनापति का सेनापति था। तो यहाँ पर रघुनाथ राव कहता है कि महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही कांप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? जूही कांप उठती है और प्रश्न करती है, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। बच्चों, यहाँ पर भी शब्द अर्थ है कि आंखें खुलना, यानी कि सत्य समझ में आना। तो यहाँ पर लक्ष्मीबाई कहती है कि पेशवा की सेना हार गई, यह तो बहुत अच्छा हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। तो यहाँ पर लक्ष्मीबाई कहती है कि जो लोग विलास प्रियता में डूबे हुए थे, मौज शौक में डूबे हुए थे, तो यहाँ पर इसलिए कहती है कि अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। क्या कहती है लक्ष्मीबाई रघुनाथ से कि अपनी पेशवा को, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, क्योंकि ग्वालियर का किला जो रोज जो सेनापति है वो नहीं ले सकेगा। रघुनाथ, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा, मैं अभी सेना को कुछ के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था जाता है। क्या कहता है रघुनाथ कि लक्ष्मीबाई से कि भाई साहब, मैं जानता हूँ कि वो जो रोज सेनापति है वो कभी भी ग्वालियर का किला नहीं ले सकता है, मैं अभी सेना को तैयार करने के लिए जाता हूँ, केवल मैं आपको सूचना देने के लिए ही आया था। और रघुनाथ वहां से जाता है। लक्ष्मीबाई और जूही, तुम भी जाओ सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। लक्ष्मीबाई जूही को भी रघुनाथ के साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन बाहर देखकर कि ठहरो, शायद सेनापति इधर ही आ रहा है। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है, सरदार तात्या का प्रवेश। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? क्या कहती है लक्ष्मीबाई सरदार तात्या को कि आज आप यहाँ पर कैसे भूल पड़े? तात्या भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। क्या कहता है तात्या साहेब कि लक्ष्मीबाई से कि भाई साहब, मैं किसी और के लिए सरदार हूँ, लेकिन आपके लिए तो मैं सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग्य से, इतने बड़े सेनापति को किस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? बच्चों, शब्द अर्थ है लज्जा, यानी कि शर्म। तो यहाँ पर लक्ष्मीबाई तात्या साहेब को कहती है कि इतने बड़े सेनापति
की जो नम्रता है उनको वो दिखाता है। लेकिन यह तपो की आवाज कैसे आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद जागीदारों में जागीदार बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या कहती है लक्ष्मी बाई कि ये तपो की आवाज कैसे आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद जागीदारों में जागीर बांटना खत्म नहीं हुआ। तात्या बाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य है। लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानते ही है। क्या कहता है यहाँ पर तात्या साहब कि आपको यानी कि लक्ष्मी बाई से तात्या साहब कहते हैं कि आपको हमें यानी कि तात्या साहब को लज्जित करना किसका पूरा अधिकार है? तो लक्ष्मी बाई का पूरा अधिकार है। यहाँ पर तात्या साहब लक्ष्मी बाई को कहता है कि आपको हमें लज्जित करना पूरा अधिकार है, और जो कुछ भी हो रहा है वो आप तो जानती ही है लक्ष्मी बाई। शायद ब्रह्म भोज के उपलक्ष्य में ये तपे चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए भी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी। बच्चों, यहाँ पर शब्द समूह के लिए एक शब्द में पूछा जा सकता है कि ब्राह्मणों को खिलाए जाने वाला भोज को उनका उत्तर क्या आएगा? ब्रह्म भोज। तो यहाँ पर लक्ष्मी बाई कहती है कि ब्रह्म भोज के उपलक्ष्य में तप चल रही होगी, और श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी और शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी। जूही, सरकार इस बार उनको माफ कर दीजिए। तात्या व्यंग्य होकर, बाई साहब आप यूं कब तक फटकरते रहेगी? लक्ष्मी बाई, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। मुंदर, सरकार सेना तैयार है। मुंदर आकर लक्ष्मी बाई से कहती है कि सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मी बाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशा ये थी, तुम्हारे रहने यह सब क्या हो गया? क्या कहती है लक्ष्मी बाई कि युद्ध के लिए मैं भी तैयार हूँ। तात्या को कहती है कि तात्या साहब पर, सेनापति पर लक्ष्मी बाई से बहुत सारी आशाएं थी, और इसलिए वो कहती है कि तुमसे मुझे बहुत सारी आशाएं थी, तुम्हारे रहते हुए भी ये क्या हो गया? जूही, सरकार ये स्वामी पुत्र है। क्या कहती है जूही लक्ष्मी बाई से कि सरकार ये स्वामी भक्त है, यानी कि तात्या साहब को जूही कहती है कि ये स्वामी भक्त है। तो बच्चों, यहाँ पर भी शब्द समूह के लिए एक शब्द है कि स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला, स्वामी भक्त। तो इसलिए यहाँ पर जूही कहती है कि सरकार ये तो स्वामी भक्त है लक्ष्मी बाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। क्या कहती है लक्ष्मी बाई कि आज हम स्वामी भक्त नहीं, लेकिन आज हम देशभक्त बने, ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। क्या कहती है लक्ष्मी बाई, अब भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तात्या, इसलिए तो आया हूँ बाई साहब, आप जो कहेगी वही करूँगा, जो योजना बनाइए उस पर चलूँगा। क्या कहती है, क्या कहता है तात्या साहब कि मैं इसलिए तो आया हूँ, आप जो कहेगी वो हूँ मैं करूँगा, और आप जो योजना बनाएंगी उन योजना पर भी मैं चलूँगा। लक्ष्मी बाई, तो जाओ तलवार संभालो। क्या कहती है लक्ष्मी बाई कि जाओ और तलवार को संभालो, नुपुरों की झंकार के स्थान पर तपों का गर्जन होने दो, भूल जाओ राम रंग। यहाँ पर शब्दार्थ है राग रंग गाना बजाना। तो लक्ष्मी बाई कहती है कि गाना बजाना मौज शोक विलास प्रियता ये सब भूल जाओ, और ये याद रखो कि हमें आज स्वराज जो प्राप्त करना है, स्वराज को हमें लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है, और हमें रणभूमि यानी कि लड़ाई का जो मैदान है, शब्दार्थ है रणभूमि लड़ाई का मैदान, मौत से जूझना। मुहावरे का अर्थ है बच्चों कि मौत से जूझना यानी कि साहस से मौत का
तात्या साहेब, महारानी आपकी जय हो। मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेर से निकल कर ले जाना है। क्या कहती है लक्ष्मीबाई कि तात्या साहेब, ये याद रखना कि दुर्भाग्य यानी कि जिसका भाग्य अच्छा नहीं हो। तो यहाँ पर लक्ष्मीबाई कहती है कि यदि दुर्भाग्य से हमें विजय न मिले तो आपसे दुश्मनों को हाथ से सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकलकर वापस लाना होगा। तात्या, ऐसा ही होगा लक्ष्मीबाई। तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है और जो ये युद्ध है उसे लक्ष्मीबाई अपना जीवन का अंतिम युद्ध समझती है। जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। चिंता केवल इस बात की है हमारी गीता कलंकित न होनी चाहिए। तात्या, बाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य है। क्या कहता है तात्या साहेब कि वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को कभी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। क्या कहता है तात्या साहेब कि आपके होने पर हमें कि कलंक हमारी छाया को कभी भी छू नहीं सकती। हमें आज्ञा दीजिए, प्रणाम। लक्ष्मीबाई प्रणाम तात्या, और तात्या साहब वहां से चला जाता है। लक्ष्मीबाई प्रणाम तात्या, मैं सीधे युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना तात्या, चला जा रहा है। क्या कहती है लक्ष्मीबाई तात्या साहब को कि मैं सीधे युद्ध भूमि के लिए जा रही हूँ और आपको देर न होनी चाहिए, और वहां से तात्या साहब चला जाता है। मुंदर, सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी, चूही और मैं तब खाना संभालूंगी। यहाँ पर लक्ष्मीबाई, मुंदर और चूही दोनों तीनों स्वराज्यों के युद्ध के लिए जा रही है, और यहाँ पर मुंदर भी कहती है कि सरदार आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। सरदार यानी कि मुंदर लक्ष्मीबाई से कहती है कि आज मैं बराबर उस युद्ध में आपके साथ ही रहूंगी और जूही, और मैं तब खाना संभालूंगी, और जूही तब खाना संभालने की बात करती है लक्ष्मीबाई। और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। लक्ष्मीबाई क्या कहती है कि आज हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर रहेंगे। और लक्ष्मीबाई हर हर महादेव का नाद करती है, तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है जो मंच पर प्रकाशते धुंधलाते लो धुंधलाते सब कहीं छा जाते हैं, फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। तो बच्चों, स्वराज्य की नींव पाठ में हमें स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की जो भूमिका है उन भूमिका को लेखक ने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया है, और साथ साथ भारतवासियों में स्वराज्य के प्रति चेतना जगाने में उनका जो योगदान है वो हमें कभी भी भूलना न चाहिए। उनके बारे में लेखक ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझ दी है। तो बच्चों, मैं आशा रखती हूँ कि स्वराज्य की नींव जो एकांकी है उस एकांकी के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। बच्चों, यहाँ पर मैंने शब्दार्थ और साथ में नीचे मुहावरे का अर्थ लिखा हुआ है। तो बच्चों, शब्दार्थ और मुहावरे का यहाँ पर जो अर्थ लिखा हुआ है वो आपको नोटबुक के अंदर होमवर्क में लिखना है। बच्चों, साथ में मैंने यहाँ पर प्रश्न भी दिया हुआ है। प्रश्न एक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, जूही देश के लिए किसे ठुकरा सकती है। दूसरा प्रश्न है, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने क्यों लज्जित हो उठे। प्रश्न दो, 500 वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न,
प्रस्तुत एकांकी लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। प्रस्तुति शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। नंबर एक, धरती और आकाश के मिलने का स्थान। दो, निराशा या क्रोध में मुंह से निकलने वाली श्वास। नंबर तीन, दही से बनने वाला एक व्यंजन। नंबर चार, ब्राह्मणों को खिलाया जाने वाला भोज। नंबर पाँच, स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला। तो बच्चों, शब्दार्थ, मुहावरे का अर्थ, प्रश्नों का उत्तर और शब्द समूह के लिए एक शब्द जो आपको नोटबुक के अंदर होमवर्क में लिखना है। ओके, आभार।